मॉर्निंग, आप सभी विद्यार्थियों का सोनरेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस क्लास में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के विद्युतिक पदार्थ एवं केबल चैप्टर से केबल क्या होता है तथा केबल का संरचना किस प्रकार से होता है, इनके बारे में बात करेंगे। केबल, जब किसी तार पर इंसुलेशन चढ़ाया जाता है तो उस तार को केबल कहा जाता है। जब किसी तार, चाहे वो कॉपर का रहे चाहे वो एल्युमिनियम का रहे, अगर इसके ऊपर इंसुलेशन का परत चढ़ा देंगे तो इस तार को केबल कहा जाता है। तार पूरी तरह से नंगा होता है और केबल पूरी तरह से इंसुलेशन लगा होता है। केबल और वायर के बारे में और भी कुछ थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर एल्युमिनियम का कंडक्टर या फिर कॉपर का कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन नहीं चढ़ाया होता है तब इसे वायर कहा जाता है। अगर कॉपर का कंडक्टर या फिर एल्युमिनियम कंडक्टर, इसके अलावा भी अनेकों प्रकार के कंडक्टर होते हैं, अगर इसके ऊपर इंसुलेशन का लेप चढ़ा देंगे तो इसे ही केबल कहा जाता है। तो हम घरों में हमेशा केबल का ही इस्तेमाल करते हैं, ना कि तार का, क्योंकि जो तार होते हैं इसके ऊपर में किसी प्रकार का इंसुलेशन नहीं लगा होता है, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए हम अपने घरों में केबल का ही प्रयोग करते हैं। कई केबल पर सिर्फ एक ही इंसुलेशन लेयर लगाया जाता है, लेकिन कुछ केबल ऐसा होता है जिनके अंदर कई तार होते हैं और उनके ऊपर भी दो या तीन इंसुलेशन का लेयर होता है। अगर एक सिंगल केबल है तो इसके ऊपर एक ही इंसुलेशन का परत चढ़ाते हैं। अगर केबल में दो या तीन कोर है तो इसके हिसाब से हम लोग इंसुलेशन का भी संख्या को बढ़ाते हैं। यहां पे कुछ डायग्राम दिखा रहा हूं, केबल एक्चुअल में किस प्रकार से दिखता है। आप इन डायग्राम को देख के भली भांति पहचान सकते हैं कि केबल क्या होता है। अब बात करते हैं केबल की संरचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल। केबल के अंदर क्या क्या मुख्य भाग होते हैं? केबल को हम लोग छह मुख्य भाग में बांट के पढ़ेंगे। पहला, केबल के सबसे सेंटर वाला भाग जिसे कंडक्टर कहा जाता है। कंडक्टर एल्युमिनियम का भी हो सकता है और कॉपर का भी हो सकता है। इस कंडक्टर के ऊपर एक इंसुलेशन का लेयर लगा होता है। फिर इस इंसुलेशन के ऊपर मेटालिक सीथ का प्रयोग किया जाता है। फिर इस मेटालिक सीथ के बाद बेडिंग का प्रयोग किया जाता है। फिर इस बेडिंग के ऊपर आर्मरिंग किया जाता है। फिर इस आर्मरिंग के ऊपर सर्विंग किया जाता है। तो इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल में छह अलग अलग मुख्य बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला, केबल कोर। यह केबल का केंद्रीय भाग है। यह तांबे या एल्युमिनियम की एक तार या कई तारों से लपेट के बनाया जाता है। जो केबल कोर होता है उसे साधारणतः तो हम लोग या तो एल्युमिनियम का बनाते हैं या फिर कॉपर का बनाते हैं। बट अगर हम लोग कंडक्टिविटी के हिसाब से देखें तो सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर या गोल्ड होता है। बट कॉस्ट के हिसाब से हम लोग नॉर्मली जो केबल होता है उसमें या तो एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं या फिर कॉपर का प्रयोग करते हैं। लपेटे जाने वाली तारों की संख्या इस प्रकार से रखी जाती है कि इससे लंबकार सेक्शन का गोल चक्कर बनाया जाता है। केबल के कोर को इस प्रकार से बनाया जाता है कि इसका आकार गोलाकार हो। यह सबसे सेंटर वाला भाग होता है। दूसरा, इंसुलेशन। चालकों को इंसुलेट करने हेतु पेपर, वार्निश, फैब्रिक, वेल्केनाइज रबर, प्लास्टिक पदार्थ काम में लिए जाते हैं। केबल के सबसे सेंटर वाले भाग को
केबल कोर कहा जाता है। केबल कोर में मुख्यतः एल्युमिनियम या फिर कॉपर का धातु का प्रयोग किया जाता है। इस धातु को इंसुलेशन करने के लिए अलग अलग प्रकार के इंसुलेशन मटेरियल का प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पेपर, वार्निश, वेल्कनाइज्ड रबर, प्लास्टिक पदार्थ। फैब्रिक टेप की सतहों के मध्य पेट्रोलियम जेली प्रयोग ली जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है, फैब्रिक टेप की तहों नहीं है, ये सतह है। सतहों के मध्य पेट्रोलियम जेली प्रयोग में ली जाती है। संतृप्त इंसुलेशन पेपर का प्रयोग अधिक किया जाता है। ज्यादातर केबलों में इंसुलेशन के रूप में संतृप्त इंसुलेटिंग पेपर का ही प्रयोग किया जाता है। तीसरा, मेटलिक शीथ। केबल के कंस्ट्रक्शन में सबसे सेंटर वाला भाग को कहा जाता है केबल कोर। इस केबल कोर के ऊपर इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है। इस इंसुलेशन के ऊपर मेटलिक शीथ का प्रयोग किया जाता है। चालकों के ऊपर इंसुलेशन किया जाता है, उसके बाद इंसुलेशन पर धातु की पत्तियां की सतह चढ़ाई जाती है, जो बाहर नमी को इंसुलेशन की ओर नहीं जाने देता है। मेटलिक शीथ का मुख्य प्रयोग होता है, ये बाहर की नमी को कंडक्टर कोर की तरफ जाने से रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। धातु के रूप में शीशे का उपयोग किया जाता है। कई बार एल्युमिनियम की मेटलिक शीथ काम में ली जाता है। ज्यादातर मेटलिक शीथ में शीशे का प्रयोग किया जाता है, बट कई कई जगहों में एल्युमिनियम का भी प्रयोग किया जाता है। चौथा, बेडिंग। मेटलिक शीथ के ऊपर पेपर टेप की सतह चढ़ाई जाती है। बेडिंग से मेटलिक शीट को बचाया जाता है। फिफ्थ नंबर, आर्मरिंग। आर्मरिंग द्वारा केबल को यांत्रिक शक्ति प्रदान की जाती है। यह स्टील टेप भी तारों के रूप में होता है। जो बेडिंग हो गया या फिर मेटलिक शीट या फिर इंसुलेशन या केबल कोर, इन सभी के ऊपर में रहता है आर्मरिंग। आर्मरिंग का मुख्य कार्य होता है ये केबल को शक्ति प्रदान करना, ताकि अगर केबल के ऊपर किसी प्रकार का भारी भरकम चीज गिर जाए तो ये केबल बीच में टूटे नहीं, इसीलिए आर्मरिंग का प्रयोग किया जाता है। आर्मरिंग के लिए मुख्य स्टील टेप के पतले पतले तारों का प्रयोग किया जाता है। और सबसे लास्ट में सर्विंग। आर्मरिंग को कवरिंग करने के लिए सर्विंग का प्रयोग किया जाता है। आर्मरिंग के ऊपर बेडिंग जैसे एक और सतह चढ़ाई जाती है, जिसे सर्विस कहते हैं। यहां पे मैं आपको एक केबल का कंस्ट्रक्शन का डायग्राम दिखा रहा हूं, जिनमें मुख्य केबल के 6 भागों का वर्णन किया गया है। आप इन डायग्राम को देखिए और क्रमबद्ध तरीके से कंडक्टर, इंसुलेशन, मेटलिक शीट, बेडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग का क्रम किस प्रकार से रहता है, इससे आप अच्छे ढंग से समझ पाइएगा।